मेरठ में एक तरफ कोरोना ने लोगों को भयभीत किया हुआ है, वहीं थाना लालकुटी के हंडिया मोहल्ले में किराए को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसके बाद सांप्रदायिक संघर्ष का शोर मचा तो पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। मात्र 500 रुपए के लिए दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। हंडिया मोहल्ले में पप्पू अपने परिवार के साथ रहता है, उसने अपने मकान में कई किराएदार भी रखे हुए हैं, जिसमें बबलू उर्फ इस्लामुद्दीन भी एक किराएदार है। मकान मालिक पप्पू कई दिनों से किराएदार बबलू से किराया का तकादा कर रहा था। 2,500 रुपए में से 2,000 रुपए बबलू ने पप्पू को दे दिए थे और 500 रुपए जल्द देने की बात कही। गुरुवार की रात फिर बबलू से 500 रुपए का तकादा किया तो बबलू ने आज शुक्रवार को देने की बात कहकर टाल दिया। बताया जाता है कि मकान मालिक पप्पू के बेटे कुणाल व मेहुल से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वे बबलू से भिड़ गए। मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच बबलू पक्ष के लोग भी आ गए और दोनों ओर से जमकर मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच किसी ने सांप्रदायिक संघर्ष का शोर मचा दिया। कुछ ही देर में दोनों संप्रदाय के लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसकी सूचना मिलते ही लालकोटी थाना की फोर्स दौड़ पड़ी। एक के बाद एक डायल 112 की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई। पुलिस ने भीड़ को घरों में भेजा और घायल बबलू व दूसरे पक्ष के पप्पू को थाने लेकर आ गई। मकान मालिक पप्पू के दोनों बेटे फरार हो गए। इसी बीच भाजपा के कुछ तथाकथित नेता भी थाने पहुंच गए, जिन्हें इंस्पेक्टर ने फटकार लगाकर भगा दिया। इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया कि किराए के पैसे को लेकर विवाद होना सामने आया है। घायल को डॉक्टरी इलाज के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।